हमारे साथ हैं शम्स तबरेज साहब, जाने माने युवा पत्रकार हैं। इनसे हम जानेंगे कि जिस कल जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जमीन जो थी वो सरकार को दे दी गई ट्रस्ट बनाकर, उसको राम मंदिर निर्माण करने के लिए एक ट्रस्ट बनाने की बात कही गई है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला आया वो किन वजहों से इस तरफ इसका रुख इस तरफ हुआ कि वो जमीन मस्जिद की जगह मंदिर के ट्रस्ट को दी गई। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कि क्या वजहें रही कि फैसला इस तरीके का हमें देखने को मिला। जी शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। देखिए सुनवाई की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम जिक्र कर लें सुनवाई की। जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जो तनाज़ा स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अब तक कई हुकूमतें इस पर गौर कर चुकी हैं। आज़ादी से पहले का भी ये मामला रहा है, उस वक्त भी गौर किया गया। फाइनल डिसीजन 2010 में आया, इसमें तीनों जो फरीक थे, तीन पक्ष थे, उन्हीं में ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई आप तीनों में हम बांट दे रहे हैं। और फिर अब जो ये कल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उसको काफ़ी मुतनाज़ इसलिए माना जा रहा है, विवादित, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक दिया है, अपना उस पर जो फैसला दिया है, अगर हम उस पर गौर करें तो अब तक जो 40 दिन सुनवाई चली, बहुत ही लंबा ट्रायल रहा, बहुत से मौके पर टाइम बढ़ाकर ट्रायल लिए गए, कुछ तो सैटरडे को भी लिया गया, लेकिन अगर ट्रायल के दौरान गौर करें तो जो रामलला विराजमान जो ट्रस्ट था, जिसे हम हिंदू पक्ष कह रहे हैं, उनके तरफ से सबूत के तौर पे शायद ही कुछ दिखाया गया हो। यहाँ तक कि एक तरह से हम जब न्यूज़ रूम में हुआ करते थे तो ये वेट किया करते थे कि क्या सबूत पेश किया जा रहा है। सबूत ही नहीं था, मतलब कुछ ही। ये बात अलग है कि वहाँ कौन पैदा हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। सबूत के तौर पे बहुत सी चीज़ें मांगी गई कि आप उसमें ये दिखा दीजिए कि यहाँ रामलला का जन्म हुआ। और ये एक जो विवाद है लोगों का, ये कहना है कि नहीं श्री राम का जन्म वहीं हुआ था। भाई ये टाइटल शूट का मैटर था, ज़मीन विवाद का मैटर था कि वहाँ क्या चीज़ होना चाहिए, मालिकाना हक की बात थी वहाँ पे। और दूसरी बात, हम किताबों में भी पढ़ते आए हैं, वो देश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके किताबों में पढ़ाया जाता है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, हम रिस्पेक्ट करते। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ ये रही कि अयोध्या वाला जो मैटर है, अयोध्या में किस जगह उनकी पैदाइश हुई, भाई पुराना मामला था, ऐसे कहाँ पता चलेगा। लेकिन उस चीज़ को विवाद बनाया गया साधु संतों के जरिए, कुछ सबसे बड़ी बात है राजनीति तो इस पर हुई ही, जमकर हुई। यहाँ सवाल एक ये भी होता है कि भाई अगर आप ज़मीन किसी और को दे रहे हो, लड़ाई तो मस्जिद की थी, लेकिन अगर गलत तरीके से मस्जिद बनाई गई थी, उस पर कब्ज़ा उनका हक नहीं था मुस्लिम फरीक का, मुस्लिम पक्ष का, तो फिर आप उन्हें ज़मीन किस बात के लिए दे रहे हो। ये जो सबसे खटने वाली बात थी, ये किसी को हजम नहीं हो रही, ख़ासतौर से जो इस फैसले से इत्तफाक नहीं रखते, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा एतराज़ यही किया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हमें खैरात में 5 एकड़ ज़मीन नहीं चाहिए, हालांकि 2.77 एकड़ ज़मीन थी वो जिस पर दावा था। और देखिए दूसरी बात यहाँ ये रही कि केंद्र में भी हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टार्टिंग ही उसी मुद्दे पर हुई, इनकी राजनीति 2 सांसद से लेकर आज पूरे अक्सरियत में है, बहुमत में है। और ये मामला अगर ना हुआ होता तो शायद ही ये लोग बने होते। और कोर्ट ने इस चीज़ को फाइंडिंग किया है एएसआई की रिपोर्ट को। अगर हम एएसआई की रिपोर्ट पर गौर करें तो एएसआई की रिपोर्ट जब से बनी, मतलब 69 में भी हुआ, 92-93 में भी एक बार मामला एएसआई का, फिर 2002 में भी एएसआई का मैटर आया कि एएसआई ने खुदाई किया, जापानीज़ कंपनी वगैरह के साथ मिलकर भी उन्होंने खुदाई किया, तो उसमें जो दस्तावेज़ मिले, सॉरी जो उसमें अवशेष मिले या अभिलेख जो भी मिला, जो भी उसमें सबूत मिले, उसमें ये भी देखा गया कि भाई उस पर इत्तफाक नहीं था। जो भी सबूत मिले विवादित थे, उस पर कई क्वेश्चन मार्क थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, इसमें एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो खुदाई में जो एएसआई ने जो चीज़ें बरामद की है, वहाँ हिंदू मंदिर नहीं था। देखिए मंदिर तो बहुत से धर्मों में होता है, जैन में भी होता है, बौद्धिज्म में भी धर्म होता है, टेंपल की अगर बात की जाए तो यहूदियों में भी होता है, तो हम क्या चीज़ माने। वहाँ 10,000 BC तक की चीज़ें हैं, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको हम कहते हैं पैगंबर कहते हैं अल्लाह का, उनकी पैदाइश से जो है 10,000 पीछे तक के वहाँ सबूत निकले थे।
तो सभ्यताएं बसती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, तबाह होती हैं, ख़त्म होती हैं, कई सभ्यताएं बसी भाई दुनिया बसने से लेकर आबाद तक। और उस ज़माने में वो एक टीला हुआ करता था, टीले के ऊपर जो है वो मस्जिद कायम थी। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसले से हम लोग अगर देखा जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट माना तो सभी को पड़ेगा, उससे बड़ी तो कोई अदालत है नहीं, वरना उससे बड़ी अगर अदालत होती तो वहाँ भी लोग जाते। लेकिन इंसान के नाते जो जितना मुस्लिम फरीक ने कोशिश किया, हिंदू पक्ष ने कोशिश किया, अब इसके आगे कोई फैसला नहीं था, तो मानना तो इसे ही पड़ेगा। और जो सबूत मिले हैं वो विवादित रहे हैं। प्रोफेसर डी एन झा का चूँकि आपने जिक्र किया तो भी बता दो, प्रोफेसर डी एन झा ने उस पर आपत्ति जताई है। जब बाबरी मस्जिद मुनहदिम नहीं हुई थी, ढाई नहीं गई थी, रिवोल्यूशन उसका नहीं हुआ था, तो उसके पहले ही ये लोग जो है डॉक्टर डी एन झा उनके साथ तीन सदस्य और मिलकर सरकार के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी। इन लोगों ने रिपोर्ट बना करके उसको सरकार को दिया था और इन लोगों ने अपनी जांच में ये पाया कि जो इन लोगों ने देखा, एएसआई ने जब ये जांच करने के लिए अयोध्या गए तो एएसआई ने इनको वो नोटबुक नहीं दिया जिसे मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, लेकिन उसे नोटबुक है जिसमें इस चीज़ लिखा गया था कि क्या चीज़ें खुदाई में बरामद हुई हैं। तो ये लोग मांगते रह गए एएसआई से और इस कमेटी को मांगते रह गए, लेकिन उन लोगों ने वो नोटबुक नहीं दिया जिसमें खुदाई का ब्यौरा था कि क्या क्या चीज़ें बरामद की गई हैं, क्या उसमें सामान थे जिसके बेस पे ये कहा जा सके कि वहाँ ही फला चीज़ थी। और उसके आधार पर इन लोगों ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। प्रोफेसर डी एन झा ने, इतिहासकार हैं चार प्रोफेसर जो इनके साथ मिलकर के गए, इन लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया कि नीचे एक कोई राम मंदिर थी, ऐसा ही कोई रिपोर्ट खारिज किया और उसकी रिपोर्ट को ही विवादित कहा। और उसी के बेस पर जो है अब एक फैसला आया है। अब जस्टिस ए के गांगुली ने एक सवाल खड़ा किया, उनके सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को ही संदेह के घेरे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट 1949 के बाद बना वो कैसे ऐसी मस्जिद के बारे में फैसला दे सकता है जो कि 400-500 साल पुरानी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस था और जाहिर सी बात है वो ऐतिहासिक हो जाया करती है और वो एक धरोहर के रूप में अभी हम उसे देख सकते हैं। और वो मस्जिद बनी उस समय जब भारत में एक अलग शासन तंत्र हुआ करता था और जब लोकतंत्र बहाल हुआ उसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा हुई, संविधान बना। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सोचा है कि जो है भाई हम ये तय करने लगे कि वहाँ मस्जिद होना चाहिए या मंदिर, तो ये इंसाफ का तकाजा तो है नहीं। हम सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन एक अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्रता बोलने की उस पर वो तो हम बोल सकते हैं। तो जस्टिस गांगुली चूँकि सीनियर जज रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं वो, और 2G स्पेक्ट्रम मामले में वही थे जिन्होंने फैसला दिया था, तो उन्होंने इस चीज़ पे खड़ा किया है कि कई सौ साल पहले बनी हुई जो मस्जिद है, अब एक आज़ाद भारत की एक सुप्रीम कोर्ट उस पर ये कैसे तय कर सकती है, फैसला ले सकती है कि वहाँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ये जो है एक बड़ी पुख्ता चीज़ है, बड़ी सवाल है। उन्होंने इससे बड़े संदेह की निगाह से देखा है और भाई जाहिर सी बात है सवाल तो खड़ा करने का अधिकार सबको है, कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। और चूँकि वो एक चीफ जस्टिस हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर डी एन झा वो जो उन्होंने इतिहासकार हैं और जस्टिस गांगुली जो हैं रिटायर्ड हैं जज, तो इन दोनों के ज़रिए अगर कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है तो ये एक काफ़ी अहम है, बहुत ही एक संवेदनशील मामला है। जैसे कि ये जो पूरा मामला था ये टाइटल सूट का मामला था, ये कोई अल्टरनेटिव लैंड की बात थी ही नहीं जी। तो जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन देने की बात फैसले में कही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मामला दिया उसको हम लोग ये मान सकते हैं कि हिंदू पक्ष जो है वो पीड़ित था। भाई पीड़ित था तभी तो मस्जिद का मामला आपने मस्जिद जगह पे आपने मंदिर बनाने के लिए फैसला दिया, तो पीड़ित को तो आपने इंसाफ दे दिया कानून के लिहाज से। तो अब जो शोषण करने वाला पक्ष था वो मुस्लिम पक्ष था, जो वर्डिक आया उस हिसाब से, तो फिर उनको 5 एकड़ जमीन देने की क्या आवश्यकता? उनको सीधे तौर पर कहा जाता था भाई आपका इस पर हक है ही नहीं, आपका दावा ख़त्म है, आप इस पर दावा ही नहीं कर सकते, आप अपना अलग रास्ता लीजिए, आप कहीं और मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, चर्च बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है और आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ये एक सिंपल सा
होता मामला इंसाफ का कि भाई आप इंसाफ के नाम पे ये आप कर सकते थे फैसले के नाम पर, लेकिन आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने जो है कहा कि भाई मुस्लिम फरीक को भी कि भाई आपको 5 एकड़ हम अलग से ज़मीन दे रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि मस्जिद की तामीर किसने कराई, इसकी इसका जो है किसने बनवाया, इसका कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं हो पाया है, लेकिन इतना है कि मंदिर जो नीचे बरामद किया गया है उसे तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाया, मस्जिद तोड़ने के सबूत नहीं मिले, तो इस पर भी लोगों को गौर करना चाहिए। हाँ, ये गनीमत है कि प्रशासन ने अच्छा काम किया है, जो सांप्रदायिक घटनाएं होनी चाहिए थी अब तक उनसे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पुलिस ने भी काफ़ी एहतियात बरता और बहुत से लोगों को अरेस्ट भी उन्होंने किया है, बहुत सोशल साइट्स पे भी उन्होंने निगरानी की है, तो ये हम प्रशासन की एक कामयाबी मान सकते हैं कि उन्होंने किसी भी जो है नाकाबिले बर्दाश्त घटना को होने से उन्होंने बचा लिया, कोई भी समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें थीं उनको उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की, बहुत अच्छा काम किया प्रशासन। इस पूरे फैसले में एक एक्ट का जो खास तौर से जिक्र किया जा रहा है 1991-92 में लैंड से जुड़ा हुआ जो एक्ट है, जिससे कहीं ना कहीं पूरा खाका तैयार किया गया, ये पूरा फैसला हिंदू पक्ष की तरफ गया, राम मंदिर की तरफ गया, तो वो उसके ऊपर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए, मस्जिद जब डिवोल्यूशन हो गई, उसको ढा दिया गया भीड़ के जरिए, तो उस 92 या 93 में जो है एक अयोध्या एक्ट पारित किया गया सरकार के जरिए। उसके जरिए क्या हुआ कि जो विवादित ज़मीन थी और उसके आसपास के इलाका था उसे सरकार ने अपने अंडर में ले लिया उस एक्ट के जरिए, और जिसके वजह से वक्फ बोर्ड का उस पर जो है हक नहीं रह गया, क्योंकि उस एक्ट के जरिए जो है चूँकि सरकार ने सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए अब वक्फ बोर्ड का दावा उस पर नहीं रह गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला है कि भाई आपका दावा अब उस पर ख़त्म हो चुका है, आप उसके दावा खारिज हो चुका है, क्योंकि वो अब सरकार के हिस्से में ज़मीन थी। यही मसला था। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है उसको आपके नज़र से देखते हैं, उस पर मुसलमानों को मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि खैरात नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब जो है बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उससे भी अच्छे एक वक्ता हैं, और उससे भी आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो जो भी बातें करते हैं फैक्ट बेसिस बातें करते हैं, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, सिर्फ हमारा ही मानना नहीं है, वो ऐसी एक अधिवक्ता भी हैं भाई, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अक्सर वो कानून और इंसाफ की बात किया करते हैं। तो बेहतर है कि अब तो हमें कबूलना ही है, अब चाहे फैसले से आप संतुष्ट हों चाहे ना हों, हाँ फैसला और इंसाफ में एक अंतर बना रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, फैसला अलग होता है, जस्टिस अलग होता है, और जो इंसाफ है वो इंसाफ शायद इसमें जो है जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस हिसाब से तो हम इसे इंसाफ नहीं मान सकते, फैसला मान सकते हो। वैसी साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं उनकी भी अपनी जगह है, भाई लड़ाई तो यहाँ ज़मीन की थी नहीं, लड़ाई तो यहाँ मस्जिद की थी, उनकी निशानी की थी। अब सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं 5 एकड़ हम आपको दे रहे हैं, इतनी ज़मीनें हैं, आपको बता दूं, शायद हमारे बहुत से लोगों को ना पता हो, रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर किसी के पास ज़मीन है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है मुस्लिमों के भलाई के लिए, मुस्लिमों की तामीर के लिए बनाया गया है, और ये ज़मीनें जो हैं वो मुसलमानों की ही ज़मीनें हैं, किसी और की नहीं है। तो इनसे जो खर्च होता है, आमदनी होती है, जो मुनाफा होता है, उसका जो है अगर हम कहीं खर्च कर सकते हैं तो केवल जो है वो मुसलमानों की फलाह बहबूद में ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बाकी ओवैसी साहब ने जो दिया है, और भले ही उसमें लोग मुत्तफिक ना हों, उस पर इत्तफाक राय ना रखते हों, एक मत ना हों, लेकिन ईमानदार हैं और जिसके बेसिस पे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, यही मसला है। ये थे शम्स तबरेज़ साहब, जाने माने युवा पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ और साफ गोई के साथ अयोध्या मसले पर अपनी राय रखी, और बहुत सारे ऐसे पहलू जो हम लोगों को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, उससे रूबरू कराया। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके।